एक मिनट यार, एक कैमरा ऐसे गिर रहा है ना। व्हाट्स अप गाइस, टेबल नमस्ते। मेरा नाम है पारस। तो अगर आप एक डाइट प्लान चाहते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको क्या खाना चाहिए, आप या तो तीन चीजें करना चाहते हैं। आप या तो वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं। अच्छा सॉरी, दो ही चीज होती है, तीसरी नहीं है। आप इस काफी लोग मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे कि आपको एक डाइट प्लान चाहिए। हमारी स्टड मफिन की टीम ने एक ऑसम डाइट प्लान शुरू किया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बेसिकली आप तीन टाइप के डाइट प्लान हो सकते हो, राइट। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं उसके लिए वेज और नॉन वेज हो गए दो। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं उसके लिए वेज और नॉन वेज हो गए चार। अगर आप कीटो पे होना चाहते हैं मेरे जैसे, उसमें हो गए वेज और नॉन वेज, जो है छह। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ी सी शॉपिंग कर लो। अगर आप लेकिन डाइट प्लान शुरू करना चाहते हो मेरे साथ 1 सितंबर से, ये वीडियो मैं 29th को बना रहा हूँ। क्या यार डेट, अलेक्सा व्हाट इज द डेट टुडे? इट्स संडे ऑगस्ट 30th। ओह सॉरी, आज ऑगस्ट 30th है। आपके पास दो दिन है, ओके 30, 31 शॉपिंग करने के लिए। मैं कीटो करने वाला हूँ। कीटो मेरे लिए फैट लॉस के लिए और मसल गेन के लिए सबसे अच्छा होता है। कीटो मेरे लिए सबसे अच्छा भी होता है बिकॉज मेरे को ऐसे भी इंडियन फूड पसंद नहीं है। दूसरी बात, कीटो में ऐसे खाने में बड़ा मजा आता है बिकॉज ऐसे मस घी बटर फैट ऐसी तली हुई चीजें खा सकते हो, जैसे बहुत मजा आता है। मैं आपको हर दिन इस पूरे सितंबर में काफी आपको कीटो रेसिपीज दिखाऊंगा, मैं आपको वेट लॉस के टिप्स दूंगा और मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप मेरे साथ हम साथ में फिट हो जाए। ओके, पहली बात कीटो क्या है, आई क्विकली टेल यू। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता, कीटो का मतलब है आपकी बॉडी जाएगी कीटोसिस में। कीटोसिस का मतलब यह है कि आपकी बॉडी बेसिकली जो फैट है आपकी बॉडी में उसको एनर्जी कन्वर्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं करेगी, जिसका मतलब बेसिकली है कि आपकी जो चर्बी वो निकल जाएगी। कीटोसिस में आप जाते कैसे हो? फास्टेस्ट वे टू गेट इनटू कीटोसिस इज फास्टिंग। आपने फास्टिंग के मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे, अगर नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ बिकॉज आपने सब सुना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो जब आप जाओगे सबसे पहले फास्टिंग का वीडियो, यानी कि कल 31 अगस्त को फास्टिंग करोगे, 24 आवर्स आप कुछ नहीं खाओगे, आप ऑलरेडी कीटोसिस में जाने के लिए रेडी हो जाओगे, जिससे कि आप 1 सितंबर से जब खाओगे यू ऑलरेडी बी किक स्टार्टिंग योर कीटो। ये अगर आप कीटो करना चाहते हो। अगर आपको कीटो नहीं करना है तो आपको बाकी डाइट प्लान्स मिल जाएंगे studmyfriend.com पर, गेनिंग और लूजिंग के लिए। कीटो के लिए यू कैन फॉलो मी हियर। अब कीटो में बेसिकली क्या होता है, आपको ज्यादा फैट खाना है, थोड़ा प्रोटीन खाना है और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने है। ज्यादा फैट मतलब 70% आप फैट खाओगे, 20% आप प्रोटीन खाओगे और 10% आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे। ओके, कीटो में आपको मैं पहले बता दूं आप क्या क्या नहीं खा सकते। यार ये कैमरा से बोल रहा क्यों गिर रहा है, पीछे देखो ऐसे हो गए जैसे पीछे से एनलाइटेंड लाइट आ रही। ओके, कीटो में सबसे पहले आप क्या क्या नहीं खा सकते हो? ऑब्वियसली नो ब्रेड, नो राइस, नो रोटी, क्योंकि आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा ली तो आपका कीटो हो गया। मैं पहली बोल रहा हूँ कीटो सिर्फ तब करो अगर आप कीटो कर सकते हो, नहीं तो आप मोटे हो जाओगे। टू डू कीटो रॉन्ग इज वर्स देन टू डू कीटो एट ऑल। फिर से गिर रही कैमरे, चक्कर क्या है भाई? तो कीटो पे व्हाट नॉट टू ईट, राइस, रोटी, ब्रेड, दाल और फ्रूट्स, जो मेरे को सबसे बुरे लगते छोड़ने पर। कीटो पे क्या खा सकते हैं, लेट्स गेट योर शॉपिंग लिस्ट रेडी बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आज और कल में आप ये चीजें खरीदो जिससे कि हम 1 सितंबर से साथ कीटो शुरू कर सके। वैसे कीटो पे ऐसे ज्यादा एनर्जी लेवल भी आती है और आपका फैट लॉस जल्दी हो जाता है, तो अगर मैं ज्यादा बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन कीटो। ओके, सबसे पहली चीज फॉर कीटो, द फर्स्ट थिंग यू नीड फॉर कीटो इज आपको चाहिए बहुत सारे फैट सोर्सेज। नाउ नॉर्मली आप फैट से दूर रहते हैं बिकॉज आप फैट से फैट हो जाते हैं, पर लेकिन फैट आपको फैट नहीं करता। फैट जो बॉडी में जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जाता है और आप जो स्टोर हो जाते हैं, फिर वो फैट आपको मोटा कर देता है। बेसिकली आपको कीटो पे बहुत सारा फैट खाना है तो यू विल एंजॉय द डाइट। ओके, सबसे पहली चीज आपके फ्रिज में होनी चाहिए फ्रेश क्रीम। ओके, दिखी नहीं रहा तो फ्रेश क्रीम। ओके, तो आप कहीं से भी जाकर फ्रेश क्रीम ले आओ। ये हम काफी सारे रेसिपीज में यूज करेंगे, इसको हम ऑमलेट्स के साथ यूज करेंगे, इसलिए हम वेजिटेरियन पनीर डिशेज के साथ यूज करेंगे। आई वॉन्ट यू टू डेफिनेटली 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 हैव फ्रेश क्रीम इन योर फ्रिज। एक जो दूसरी चीज आपको डेफिनेटली लेनी है वो एक कोकोनट मिल्क। मैंने अपना ऑर्डर ऑलरेडी कर लिया है। कोकोनट मिल्क बहुत सारे रेसिपीज में यूज होता है, वो मेरा भी कल आ जाएगा, जैसे कि परसों से जब मैं कीटो पे जाऊंगा आई हैव कोकोनट मिल्क रेडी विद मी। मैं पहले बता रहा हूँ कीटो से आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कीटो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आपके पास पैसे वैसे हैं फिर आप कीटो कर लेना। सॉरी, मैं ऐसे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिस्टिकली भी बताना चाहता हूँ कि कीटो एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारे पास सस्ते डाइट प्लान्स भी हैं जो कि studmyfriend.com पर हैं, वेज और नॉन वेज, गेनिंग और लूजिंग के लिए, जो इतना खर्चा नहीं हुआ आपका खाने में। तो फ्रेश क्रीम और कोकोनट मिल्क आई वांट यू टू बाय। जो और एक चीज मैं आप चाहता हूँ वो खरीदे वो है कोकोनट ऑयल। ओके, अब कोकोनट ऑयल में हम एक्चुअली काफी चीजें बनाएंगे। कोकोनट ऑयल आपके खाने में यूज होगा, ये है वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। आपको ऐसे कुछ फैंसी लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एडिबल ग्रेड कोकोनट ऑयल खरीद सकते हैं। बहुत सारे एडिबल ग्रेड कोकोनट ऑयल्स होते हैं मार्केट में, पर आपको कोकोनट ऑयल की जरूरत है क्योंकि इससे हम बुलेट प्रूफ कॉफी बनाएंगे, इससे हम स्मूदीज बनाएंगे, इससे हम बहुत सारे से यम यमी डिजर्ट्स बनाएंगे, कीटो डिजर्ट्स जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और आपको फैट लॉस भी करते हैं, और इससे हम बहुत सारी ऐसी चीजें बनाएंगे रोज जिसमें आपको मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बेसिकली प्लीज वर्जिन कोकोनट ऑयल
ऑयल कोल्ड प्रेस होगा तो अच्छा है, बट अदरवाइज कोई भी एडिबल ग्रेड कोकोनट ऑयल प्लीज खरीद लीजिएगा। जो आपके एक और जो दूसरी चीज है जो काफी इंडियन घरों में ऑलरेडी होता है पर मेक श्योर यू स्टॉक इट, वो है देसी घी। ऑलराइट, अब मेरे लाइफ में एक्चुअली मैं कुकिंग करता हूं मैं ऑयल यूज ही नहीं करता, मेरे को ऑलिव ऑयल कनोला ऑयल इन सब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा भारत बाहर, मेरे को देसी घी बड़ा अच्छा लगता है। मेरी जितनी भी कुकिंग एक्चुअली होती है वो देसी घी में ही होती है, तो मेक श्योर यू हैव देसी घी फॉर श्योर। तो फैट के लिए क्या क्या हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, देसी घी हो गया और फ्रेश क्रीम हो गई। साथ में दो ऐसी चीजें जो और भी डिलीशियस है फैट के लिए, मेयोनेज जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और कीटो पे आप बहुत सारा मेयो खा सकते हो, मेयो मेक्स एवरीथिंग डिलीशियस। कीटो करना इतना मजा आता है ना, पता नहीं चलता कि फैट लॉस कब हो गया क्योंकि वैसे मस्त मस्त चीजें खाते हो। तो मेक श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ मेयो एट होम। और एक ऐसी चीज जिसको देख के आपको लोग बोले वाह तुम क्या सेक्सी चीज हो, आपके फ्रिज में चीज होना चाहिए, चीज स्लाइसेस ले आना, ब्लॉक चीज यूज कर सकते हो, मैं आपको जो रेसिपीज बताऊंगा उस पर मैं चीज स्लाइसेस यूज करूंगा डिफरेंट बैग। ओके, तो फैट के लिए हो गया ये सब। जो दूसरी चीज आपको चाहिए फैट के लिए वो है चाहिए पीनट बटर। अब मैं आपको बहुत क्लियरली बनाना चाहता हूँ, हमारे पास चार पीनट बटर स्टर मफिन पे, क्रीमी हनी प्रोटीन और चॉकलेट। कीटो पे अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हो मैं हनी और चॉकलेट नहीं यूज करूंगा, मैं अपने कीटो पे पीना बटर यूज करूंगा, अपना स्टर मफिन का प्रोटीन पीना बटर यूज करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा प्रोटीन भी चाहिए, और दिन में एक टाइम मैं अपना स्टर मफिन का क्रीमी पीना बटर यूज करूंगा बिकॉज ये एक्चुअली डिजाइंड है इसी चीजों के लिए। राइट, ये दोनों अवेलेबल है starmuffin.com पर। तो इन सब चीजों से आपका पूरा फैट कवर हो गया। ओके, अब आते हैं, ये बेसिकली ड्रेसिंग्स हैं। ऑलराइट, अब आते हैं आपके मील पर। मेरे ही फ्रिज में फिलहाल कीटो के लिए होगा बहुत सारा पनीर, आई वेंट एंड बॉट 1 kg पनीर यस्टरडे, सो आई एम एक्चुअली सॉर्टेड। ये मेरा 1 kg पनीर 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। ऑलराइट, अगर आप अंडे खाते हैं तो विच इज ऑसम, प्लीज गो एंड बाय सम एग्स। और चिकन जो मेरे फ्रिज में, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, कुछ भी निकालना पड़ेगा, पर बेसिकली आपके खाने के लिए आप लोगे अंडे और पनीर और चिकन। अगर आप वेजिटेरियन है तो कोई बात नहीं, उसकी पूरी डाइट हम starmuffin.com पर डाल रहे हैं। इससे जो पेट ना बंद हो जाएगा, हम साथ में करेंगे, कितना मजा आएगा। ओके, कीटो पे अब क्या होता है, आप सब्जियों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को एक्चुअली सब्जियां खाने बहुत अच्छा लगता है, फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रूट्स मैं कीटो पे खा नहीं सकता। ऑलराइट, तो इसे त्यागना पड़ेगा मेरे को, जो वाटरमेलन मेरे को अच्छा लगता है। अगर आप कीटो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, उसको जो अंडरलाइन कर लो कहीं पे, जैसे आपको पता चले कि यू कैन नॉट चीट ऑन कीटो। आप एक चम्मच में अगर आपने चीनी खा ली ना, एक चाय का कप पी लिया, आपका कीटोसिस चला गया, तो उससे आप ज्यादा मोटे हो जाओगे। प्लीज अगर आप कीटो तभी फॉलो करो, आप बहुत डिसिप्लिन है और आप उसको अच्छे से कर सकते हो। आप ऑब्वियसली दूध नहीं पी सकते कीटो पे, दही नहीं खा सकते कीटो पे, आप चाय नहीं पी सकते क्योंकि उसमें चीनी होती है। तो दीस थिंग्स यू कैन नॉट डू एंड यू मेक श्योर यू नो यू कांट डू देम। ऑलराइट, सो द अदर थिंग इज, अगर आपको चीनी चाहिए कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लीजिए, किसी भी चीज का स्टीविया ले लीजिए या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर लीजिए, दैट यू एब्सोल्युटली 100% नीड। रिमेंबर, दूध, दही, राइस, रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ऑब्वियसली आइसक्रीम, डिजर्ट, ये तो आप नहीं खा सकते। ऑलराइट, फ्रूट्स नहीं खा सकते जो आप खाओगे, लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स, तो आप मेक श्योर आप, मैंने जैसे काफी सारे ये वॉलनट्स ले लिए, मेरे पास वॉलनट्स हमेशा होते हैं, मेरा एक्चुअली फेवरेट नट वॉलनट्स है, वॉलनट्स और आमंड्स, दो ऐसी चीजें जो मैं खाऊंगा काफी ज्यादा। तो आमंड्स, ओके, तो बादाम, और यार आज तो सब कुछ गिर ही रहा है, और अखरोट। तो आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चाहिए जिनको आप ऑर्डर कर लेना। अच्छा, सब्जियों में मैं आपको बहुत सिंपली बताना चाहता हूँ, कीटो का सिंपल फॉर्मूला है, जो कोई सब्जी जमीन के नीचे उगती है उसको हम नहीं खाएंगे। ऑलराइट, जिसका मतलब है कि पोटेटो, शकरकंदी, मूली, ऐसी ऐसी चीजें जो जमीन के नीचे उगती है वो आप बिल्कुल नहीं खाओगे क्योंकि वो ज्यादा स्टार्ची वेजिटेबल्स होती है, आपको कीटोसिस से बाहर ले आएंगे। तो जो सब्जियां जमीन के ऊपर उगती हैं वो आप खा सकते हो, भिंडी, पालक, ये वो। तो मेरे और मेरे को ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बाय को बोल दिया है ये सब काटने के लिए मेरे लिए, मैं रोज खाऊंगा खीरे और मिर्ची विर्ची मेरे को असर दी है। पालक जो काट के थे मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ है, उसकी हम बहुत सारी स्मूदीज बनाएंगे तो आपको मजा आएगा। तो सब्जियों में कोई भी सब्जी जो जमीन के ऊपर उगती है यू कैन हैव दैट फॉर कीटो, व्हिच इज ऑसम। ओके, अब आते हैं जो अदर चीज आपको डेफिनेट चाहिए कीटो पे, यू नीड अ लॉट ऑफ कॉफी बिकॉज़ मैं ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पीता हूं, मैं आपको इसकी रेसिपीज बताऊंगा। सो मेक श्योर यू गॉट कॉफी एट होम, मेक श्योर यू हैव कोको पाउडर। ओके, जो कोको पाउडर आप खरीदो या अनस्वीटन कोको पाउडर होना चाहिए, मेक श्योर दिस इज नॉट ड्रिंकिंग चॉकलेट, प्लीज आप ड्रिंकिंग चॉकलेट मत खरीदना। कोई भी अनस्वीटन कोको पाउडर बहुत सारे होते हैं, हर्शीज के होते हैं, ये क्या विकफील्ड का होता है, ब्लू बर्ड का होता है, बहुत सारे कोको पाउडर्स होते हैं। अब आपकी शॉपिंग लिस्ट में अगर आप में से काफी लोगों ने हमारे स्टारमफिन का मसलिशियस ले लिया है, कीटो के लिए मसलिशियस नहीं है, इसके डाइट प्लान अलग है, ये उन लोगों के लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं और जो मसल्स गेन करना चाहते हैं। अगर मेरे जैसे हैं जो मसल्स लीन गेन करना चाहते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, आपके लिए starmuffin का आइसोलेशियस, ओके, ये दोनों starmuffin.com पर अवेलेबल है। कीटो के लिए मैं यूज करूंगा आइसोलेशियस, आई वोंट यूज मसलिशियस, ये भी अवेलेबल है starmuffin.com पर। और जो आखिरी चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है, वो है एक ऐसी चीज जैसे अगर आपने कीटो इतने मस्त से खा लिया, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम जो भी चीज खा रहे हैं इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, जिसका मतलब वेट तो आपका लॉस हो जाएगा पर कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे, जो अक्सर कीटो में लोगों के साथ होता है, उससे आपको हेडेक्स होंगे, नोजिया होगा, बहुत ज्यादा आपको अनकंफर्टेबल होगा।
इसलिए मेक श्योर अगर आप कीटो शुरू कर रहे हो पहले ही दिन से आप इसबगोल खरीदो, जिसको बोलते हैं स्लिम हस्क, ओके। कोई भी इसबगोल मार्केट में बहुत सारे इसबगोल हैं, कोई भी इसबगोल ले लो। बेसिकली आप जिनमें जितनी बार भी खाना खाओगे, अगर दिन में तीन बार खाना खा रहे हो, उन तीन बार में हर बार आप एक ग्लास में दो चम्मच इसबगोल डाल के उसको पियोगे, जिससे आपको फाइबर मिले। क्योंकि कीटो में प्रॉब्लम क्या है, फाइबर तो है ही नहीं, जिसका मतलब कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से काफी लोगों को हेडेक्स होते हैं, जिससे कि वो कीटो अपना तोड़ देते हैं, जो आपने जितनी मेहनत की वो खराब हो जाएगी। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, आपको बता दिया जो जो चीजें चाहिए थी, प्रोटीन के लिए आपको बता दिया जो जो चीजें चाहिए थी, फाइबर के लिए आपको बता दिया। अगर आपके पास कोई मल्टीवाइटामिन है तो प्लीज टेक अ मल्टीवाइटामिन। अगर आपके पास कोई मल्टीवाइटामिन नहीं है, मल्टीवाइटामिन लाना भूल गया। अगर आप चाहते हो कि आपके मसल ज्यादा जल्दी बढ़ जाए तो आई ऑल्सो रेकमेंड उसके व्यापार इसका टेस्टोस्टेरोन, जो कि अवेलेबल है studmuffin.com पर। फैट बर्न ज्यादा करेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होगा, आपके मसल ज्यादा बढ़ेंगे, जिसका मतलब ये कि आप थोड़े से बेडरूम में भी ज्यादा खुर्राफाती हो जाओगे। तो सप्लीमेंट के लिए उसके व्यापार इसका टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल ऑन studmuffin.com। मैंने आपको पूरी लिस्ट आज इसलिए बताई जैसे कि आप शॉपिंग कर पाओ फटाफट, जैसे कि आप 1 सितंबर से रेडी हो जाओ, राइट। अगर आप studmuffin का पीना बटर ऑर्डर करोगे, प्रोटीन ऑर्डर करोगे, आपको शायद 3-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि लुधियाना में एक्चुअली लॉकडाउन होता है सैटरडे संडे को, यानी कि हमारी शिपिंग मंडे से होगी। ये दोनों चीजें आई एम टेलिंग यू बिकॉज कीटो पे पीना बटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन आई एम रीइटरेटिंग studmuffin के पीना बटर प्रोटीन जो मैं शाम को खाऊंगा और क्रीमी पीना बटर जो मैं सुबह खाऊंगा। यू नीड बोथ दीस। अच्छा, नाउ आई वांट टू कम टू द डाइट प्लान। studmuffin.com पर हम अपने डाइट प्लान लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 6 डाइट प्लान होंगे। मैंने आपको बोलिया गेनिंग के लिए 2, वेज नॉन वेज, लूजिंग के लिए 2, वेज नॉन वेज, और कीटो के लिए 2, वेज नॉन वेज। ये सारे डाइट प्लान हम लॉन्च करें ₹99 पर मंथ के लिए, ऑलराइट। अगर आप जब studmuffin.com पर जाओगे अपनी रजिस्टर कर लेना, आपको हर रोज 12 बजे रात को एक डाइट प्लान मिल जाएगा जो आपको दूसरे दिन खाना है। ये डेली होगा, ये डेली अपडेटेड होगा। ये हमारी जो studmuffin की जो न्यूट्रिशन टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया है। न्यूट्रिशन टीम इज फुल ऑफ अमेजिंग पीपल, आप लोगों से बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो। फिलहाल आई वांट टू गेट द डाइट प्लान्स टू यू, सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दैट, ये अभी ऑप्शन फिलहाल अभी वेबसाइट पर नहीं है, आई थिंक ये कल तक हो जाएगा। जब हो जाएगा मैं आपको स्वाइप अप लिंक डाल दूंगा। यू कैन बाय द डाइट प्लान फॉर ₹99 ओनली। अभी इससे सस्ता हम कर नहीं सकते, ऑनेस्टली हमने पहले ये सोचा कि हम डाइट प्लान आपको फ्री में दे देते हैं, बट सच्ची बताओ हमको भी अपनी फैक्ट्रीज चलानी है, लोगों की सैलरीज देनी है, मतलब you know we have to also pay people, right? So we can't do that for free. ek to sab kuch jo free mein jo cheeses hai na, main aapko sachi bata, mera dimag kharab ho gaya jab se humne studmuffin launch kiya. bhai friends relatives family ye wo sab ne dimag kharab kar diya ki bhai free ka peanut butter de do, free ka protein de do, free ka ye de do. I'm like guys it's a new company, matlab hum kaise logon ko employ karenge agar hum aapko sab kuch free mein de denge. to agar aap humko please support karo to please mujhse free ki cheeze mangne chhod do, I can't deal with it anymore. jab aise koi mujhse free ki cheeze mangta na, meri aankhon mein unki to matlab izzat hi chali jati hai. sorry yes meri frustration bhi nikal rahi hai. साइड इफेक्ट फ्रस्ट्रेशन भी होता है क्या? नहीं होता है, I'm joking. चलो, मैंने आपको पूरी शॉपिंग लिस्ट दे दी। गो आउट गेट शॉपिंग इफ यू वांट टू जॉइन कीटो फ्रॉम मी। कीटो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैक्सिमम 3 या 4 हफ्ते करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारियां हैं, अगर आपको लगता है कि कीटो आपके लिए अच्छा नहीं है, चेक विद द डॉक्टर अगर आपको डाउट है। इफ यू आर अ हेल्थी नॉर्मल इंडिविजुअल, कीटो इज ग्रेट फॉर यू फॉर फैट लॉस। कीटो से आपकी स्किन भी ग्लो होती है, जो मैं करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ शुड यू डू कीटो शुड यू नॉट, मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो कल अच्छे से बताऊंगा क्या आपको कीटो करना चाहिए। और जो दूसरी चीज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप क्या क्या कीटो में नहीं खा सकते। ऑल दैट विल कम अप टुमारो, बट फॉर नाउ आई वांट यू टू गेट शॉपिंग, एंजॉय योरसेल्फ एंड लेट्स गेट सेक्सी टुगेदर। बिकॉज मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात यह है, आपने मेरी जिंदगी में फॉलो किए, आपने मेरे नुस्खे हमेशा फॉलो किए हैं, आपने मेरे वीडियोस हमेशा आपने देखे हैं, यू सीन दैट मैं आपके साथ जो फिट होता हूँ साथ में फिट होता हूँ। मेरे हिसाब से जो जिम गोइंग गाइस होते हैं वो हमारी इंडिया में बहुत ही कम पॉपुलेशन, जो जिम गो जो बड़े बड़े बफ गाइस होते हैं वो करने में बहुत मेहनत होती है। आप और मेरे जैसे लोग हमेशा हमको ऐसा लगता है कि फिटनेस सिर्फ उन्हीं के लिए जो जिम हमेशा होता है कि इतने बड़े बड़े मसल्स होते हैं। मेरे गोल्स वैसे नहीं है, मैं वैसा दिखना नहीं चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट बी हेल्थी, आई वॉन्ट बी फिट, ऐसे शॉर्ट बट कौन तो लोगों से टर्न ऑन हो जाना चाहते हैं, मेरा गोल वो है। तो अगर आपके गोल्स मेरे जैसे हैं तो जॉइन मी ऑन दिस कीटो जर्नी, वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, हम मस्ती करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख देना, एंड वंस वी हैव द studmuffin के डाइट प्लान्स अप ऑन studmuffin.com मैं आपको बता दूंगा पोस्ट में और स्वाइप ऑप्शन। ऑलराइट, लेट्स डू दिस गाइस, मजा आएगा, लेट्स मेक सितंबर अ हेल्थी कूल फन मंथ, बिकॉज़ आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ weird things happen in the world, there's so much depression, there's so much anxiety, but aapke apni body ko aap control karne lag jaoge na, aapka self esteem better hota hai, aapka mood acha hota hai, you feel nicer, you'll get more confident. to main chahta hu ki ye sab hum sab ke sath ho, all right, let's do this together. I love you and big butchie.